इसी देश के अंदर एक शहर के अंदर एक मंदिर का और एक मस्जिद का मसला उलझ गया। मुसलमान कहते थे कि ये मस्जिद थी, हिंदू कहते थे कि ये मंदिर था। और ये फैसला ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाफिजुल अमल जज को करना था। मामला इतना संगीन हो चुका था कि समझ में नहीं आ रहा था कि फैसला मंदिर के हक में किया जाए या मस्जिद के हक में किया जाए। तो जज ने दोनों गिरोह के लोगों से कहा कि मुझे कोई एक ऐसा गवाह बता दो कि जिसकी गवाही पर मुसलमान भी एतबार कर लें और हिंदू भाई भी उसकी गवाही का एतबार कर ले। और वो मस्जिद थी या मंदिर, उस जमाने में वो मौजूद हो। तो हिंदुओं ने की तरफ से एक नाम पेश किया गया कि हमारी तरफ से फलां इब्ने फलां है, और वो नाम एक मुसलमान का था। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। वो नाम हिंदुओं की तरफ से एक मुसलमान का पेश किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाफिजुल अमल उस जज ने पूछा, मुसलमानों, हिंदुओं की तरफ से जो गवाह पेश किया गया वो तुम्हारी कौम का है, वो मुसलमान है, क्या तुम्हें उसकी गवाही काबिल कबूल है? मुसलमानों ने जोरों शोर के साथ कहा, मुझे उसकी गवाही कबूल है। अब जज ने दोनों से कहा, हिंदुओं से भी और मुसलमानों से भी, वो जो भी गवाही दे देगा, क्या उसकी गवाही के सुनकर मैं उसी पक्ष में फैसला कर दूंगा, क्या आपको कबूल होगा? सारे हिंदू भाई बोले, हमें कबूल होगा। मुसलमानों ने भी कहा, हमें भी उसका फैसला मंजूर होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से तहरीरी लेटर जब उस बुजुर्ग के पास गया, उस बुजुर्ग को गवाही के लिए कोर्ट में तलब किया गया, उस बुजुर्ग ने उसके जवाब में यह कह दिया कि मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के न किसी वजीर आजम को देखूंगा, न किसी जज को देखूंगा, न किसी ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए किसी आदमी को देखूंगा। और जाहिर है कि कोर्ट में जब मैं आऊंगा तो आप बैठे होंगे, मेरी कसम टूट जाएगी। मैंने कसम खाई है कि मैं किसी जज का, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मुतय्यन करदा जज को का चेहरा नहीं देखूंगा, इसलिए मैं कोर्ट में गवाही देने नहीं आऊंगा। ब्रिटिश जज की तरफ से फिर एक लेटर गया, मैं आपकी कसम का पूरा लिहाज रखूंगा, आपने शकल देख ना देखने की कसम खाई है, आप बेफिक्र रहिए, आप कोर्ट में आइए, जब आप कोर्ट में आएंगे तो मैं अपना चेहरा घुमा लूंगा, अपना चेहरा मैं दीवार की तरफ कर लूंगा, तुमको बस गवाही देना है और गवाही देकर आप चले जाइएगा, आप मेरी शक्ल मत देखना। जब ये शर्त जज ने मान ली और इनके भी जहन में बैठ गई, इन्होंने हामी भर दी, अगर आपकी शक्ल देखे बगैर मुझे गवाही देना पड़ती है तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। वक्ते मुतय्यना पर ये कोर्ट पहुंचे, ब्रिटिश जज ने भी अपना चेहरा घुमा लिया और चेहरा घुमाकर कहा, बुजुर्ग मोहतरम, ये मामला हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक मंदिर और मस्जिद को लेकर है, और दोनों ने गवाह की हैसियत से आपका नाम पेश किया है,
आपकी एक गवाही पर हम किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे और मुझे फैसला करने में आसानी होगी, आप गवाही दे दें और चले जाएं। उसने कहा, जज साहब गवाही सुनिए, मेरे बाप के जमाने में उस जगह पर मंदिर था, मैंने जब से होश संभाला तब से वो मंदिर था, अभी कुछ सालों पहले उस मंदिर को गिराया गया था और वहां मस्जिद बना दी गई थी। मुसलमान अब उस मंदिर की जमीन पर मस्जिद का दावा कर रहे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। मुसलमान अपने दावे में झूठे हैं, वहां पहले मंदिर था। और ये गवाही देकर वो बुजुर्ग वहां चले गए और जज ने अपना फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाकर उस जमीन को मंदिर के हक में फैसला दे दिया। वक्ती तौर पर मुसलमान की हार हुई, लेकिन उस मुसलमान बुजुर्ग ने कुरान की उस आयत पर अमल किया कि सच्ची गवाही दो, ये मत देखो कि ये गवाही मुसलमान के खिलाफ जा रही है या हिंदू भाई के खिलाफ या ईसाई के खिलाफ। उसने अपनी गवाही दी। वक्ती तौर पर ये हार तो गया केस, मुसलमान मस्जिद मंदिर की जगह को मंदिर ही को दे दिया गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है और उसमें यह मंजर साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी वो बुजुर्ग बाहर नहीं निकल पाया था कोर्ट से, कि हमारे हिंदू भाइयों ने उसके गलों में गले में हार फूल डालना शुरू कर दिया। और बहुत सी जमाने ऐसी थी जो इस सच्ची गवाही पर कोर्ट के बाहर उस बुजुर्ग के हाथ पर हाथ रखकर बैत करते हुए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का कलमा पढ़ रही थी। ये हमारी तारीख रही है। हमने कोर्ट में भी गवाहियां दी हैं तो सच्ची गवाहियां दी हैं, और हमारी गवाहियों की, सच्ची गवाहियों की बुनियाद पर मंदिर की जगहों को मंदिर को सौंपा गया है। मेरे प्यारे साथियों, हम हमेशा से अमनो अमान के माहौल को कायम करने में लगे हैं, लगे थे, लगे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी लगे रहेंगे। हमारे इस्लाम की यही दावत है